श्री शिवाय नमस्ते बहन दोस्तों, आज हम आए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में लेके आपको। और आप यहाँ देख सकते हैं कि भक्तों की जो जन सैलाब है वह किस तरह उमड़ पड़ी है। अंतिम दिन की कथा है ये, जमशेदपुर में हो रही, झारखंड में पहली बार हुई है, डोबो क्षेत्र एरिया काजू बगान में, जहाँ भक्तों का जन सैलाब तो अधिकतर लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे भी अधिक भक्त यहाँ पे मौजूद हैं। लगभग 15 से 20 लाख लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि महादेव की भक्ति में इस तरह रंगे हुए हैं, ऐसा लगता है मानो महादेव साक्षात प्रकट हो चुके हैं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में ये पहली बार ऐसा नहीं है, जहाँ भी पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं भक्तों का जन सैलाब वहाँ ऐसे ही उमड़ पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ इतनी अधिक भीड़ होने के बावजूद भी लोग कितने शांति से केवल महादेव को ही याद कर रहे हैं, उनकी भक्ति में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और साथ ही यहाँ चल रहा है विशाल भव्य भंडारा भी। जितने भी भक्तगण यहाँ पे आए हैं उनके रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब यहाँ की समितियों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे बहुत ही अधिक सुचारू रूप से प्रशासन ने भी साथ दिया, जिससे कि 20 लाख लोग होने के बावजूद भी है जो भीड़ है यह इधर उधर नहीं हुई, आपाधापी नहीं हुई, भाग दौड़ नहीं हुई और सब अपने अपने घर को आराम से जा रहे हैं। नित्य प्रतिदिन ऐसे ही भीड़ हो रही है और कथा के आखिरी दिन में कहना ही क्या। कहते हैं जो लोग कथा के आखिरी दिन में पहुंचते हैं महादेव उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान जाने वाले दिन में कुछ न कुछ बच्चों के हाथों में थमा कर जरूर जाते हैं, चाहे 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, जैसे आपके मेहमान की सामर्थ्यता रहती है कुछ न कुछ लेके जरूर जाते हैं। ठीक वैसे ही महादेव भी जाने वाले दिन अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं और अपने भक्तों से प्रेम जुटाते जरूर हैं। उनकी पंडित प्रदीप मिश्रा की अगली कथा होने वाली है प्रयागराज इलाहाबाद में, दो पीपा नंबर 2 पुल जो है उनके बीच में माँ गंगा ने स्वयं उन्हें बुलाया है गंगा के बीच में कथा करने के लिए। तो महादेव की भक्ति में झूमने वालों की कमी नहीं है, आप भी इस पवित्र माघ के महीने में जाएं प्रयागराज इलाहाबाद और पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा सुने, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें, अपना जीवन सार्थक करें। आप यहाँ एक बार आएंगे, आप देखेंगे 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी हो जाती है। कहते हैं कि पंडाल में कथा सुनने वाले की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती है, महादेव उनकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करते हैं। तो आइए कथा सुनिए, भगवान को याद करिए और एक लोटा जल शंकर पर चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लोटा जल बदलेगा आपका कल और सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हर दिन हर पल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहें, महादेव को भजते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।